क्रांति दिवस है आज। ये ऐसा ऐतिहासिक पड़ाव हिंदुस्तान की आज़ादी का आंदोलन का था, जिसमें भारत के आज़ादी के आंदोलन का स्वरूप ही बदल गया। अंग्रेजों के राज को आखिरी उनके कफन में कील गाड़ने का काम महात्मा गांधी ने, जब इस देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और 8 अगस्त को अर्धरात्रि में वो गिरफ्तार हुए, 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के रूप में मिली। ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन हम देश के तमाम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, तमाम महान क्रांतिकारियों को, तमाम महान शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनको हम नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। साथ ही आज़ादी के बाद 75 वर्षों में इस देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए जिन्होंने सीमाओं पर खड़े होकर के देश के अंदर और देश के बाहर के दुश्मनों को उनसे लोहा लेते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनको भी नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अगस्त क्रांति हमेशा अमर रही है और अमर रहेगी। देखिए, आज का जो दिन है बहुत अहम है, और आज अगर हम लोग इस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आज हम लोग सांस ले रहे हैं। और ये क्रांति दिवस सबसे बड़ा आंदोलन था आज़ाद भारत के लिए, 1942 में जो करो या मरो का नारा जो बापूजी ने दिया था, और उस क्रांति की वजह से ही आज भारत देश आज़ाद हुआ है। तो इसलिए आज हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं और सब लोग स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर रहे हैं, उन श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइट।